Hello students, so biotechnology 12th class के लिए बहुत important part है, मैंने कहा एक एटलीस्ट इसका इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊँ, उसके बाद हम उसको कंटिन्यू करते रहेंगे। बट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानने से पहले अगर आपको ये चैप्टर समझना है तो आपको चैप्टर 5 और चैप्टर 6 दैट इज जेनेटिक्स पूरा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो जो चैप्टर 5 और 6 है वो नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस हो रहा है जेनेटिक्स का, ठीक है, वो है। और ये आर्टिफिशियल प्रोसेस जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं और आगे जाके जैसे जीन थेरेपी जो डॉक्टर्स के थ्रू की जाती है, तो पहले भी काफ़ी पहले हो चुकी है, या इंसुलिन तो आप सबको पता होगा जो आर्टिफिशियल इंसुलिन है वो कैसे बना, ठीक है। तो ऑब्वियसली आर्टिफिशियल डीएनए यानी जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बनाया जाता है, तो आपको ये तब समझ आएगा जब आपको पता होगा कि प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है या फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या होते हैं। तो उसके लिए प्लीज पहले आप लोग चैप्टर 5 और चैप्टर 6 के अपने कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आपको बायोटेक्नोलॉजी अच्छी तरह से समझ आएगा। जेनेटिक्स का बस मैंने थोड़ा बहुत जो पार्ट्स हम डाल दिए हैं आगे मैं और डाल दूंगी। ओके, सो बायोटेक्नोलॉजी एज यू कैन सी प्रोडक्शन ऑफ थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स एंड अदर ड्रग्स थ्रू द जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैसे आप सबको पता है जिम बनाने के लिए जो बॉडी बनाने के लिए हम जिम में जाते हैं, ठीक है, तो काफ़ी सारे जो यूथ हैं वो लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, आपकी जो प्रोटीन पाउडर वगैरह आता है तो वो कैसे बनता है वो आप इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो जेनेटिक थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स बोलते हैं उसको, और ऐसे बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाए जाते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, ठीक है, जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को यूज़ करते हैं ताकि किसी के जो जीन्स हैं सपोज डिफेक्टिव जीन है किसी की बॉडी में, अगर डिफेक्टिव जीन होगा तो आगे से आगे ऑब्वियसली पूरी जनरेशन ही खराब हो गया, उसकी पूरी बॉडी में कोई जो भी जीन की वजह से एंजाइम फॉर्म हो रहा है म्यूटेशन हो रहा है तो सारा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो उसको चेंज करने के लिए उसको सही करने के लिए, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है, ठीक है। जैसे आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि ऐसे 4 साल की बच्ची में एडा डेफिशिएंसी थी तो कैसे उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट के थ्रू जो एक आपका ब्लड कैंसर होता है ल्यूकेमिया उसमें भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ये जो सारी टेक्नोलॉजीज हैं हमें पता जरूर थी, बट एक नई ब्रांच जो डेवलप हुई बायोलॉजी के अंदर से ही जिसको बायोटेक का नाम दिया गया, बायो लिविंग टेक्नोलॉजी, मतलब लिविंग बींग के थ्रू नई टेक्नोलॉजी आई। जैसे हम दही जमाते हैं तो पहले बहुत पहले हम नहीं जानते थे, जैसे हमारे इंडियन उसमें तो ऑलरेडी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं पुराने, अगर आपने वेद पुराण पढ़े तो सारी चीज़ें पता है। तो लेकिन साइंटिस्ट को पहले ये नहीं पता था कि अच्छा दही जो लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया के थ्रू ही जमती है, तो ये कहीं ना कहीं जो चीज़ें होती हैं उसके, अब जो लैक्टोबेसिलस हम जितना दही खाते हैं पहले तो हमारे जो स्टमक में जाएगा तो वो जो पॉजिटिव बैक्टीरिया हेल्दी बैक्टीरिया होंगे उससे डाइजेशन अच्छा होगा, हमारी स्किन अच्छी होगी, हेयर्स अच्छे होंगे, तो कहीं ना कहीं वो हमारे बॉडी के अंदर एक अच्छा काम कर रहा है, वो भी नेचुरल, ठीक है, तो वो भी बायोटेक में ही आ जाता है। ओके, इसके अलावा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, तो आपने देखा होगा अगर जैसे आपको भी एग्रीकल्चर फॉर्म में उसकी शॉप होती है जहाँ पे ना बीटी कॉटन या जैसे इस तरह के मिलते हैं बेसिलस थुरिंजियेंसिस, ठीक है, तो वो मतलब वेल डेवलप्ड हाइब्रिड क्रॉप, 9th में थोड़ा बहुत हाइब्रिड के बारे में पढ़ा होगा, तो जो ये क्रॉप्स बनाए जाते हैं वो भी बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड के थ्रू ही बनाए जाते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे तैयार होता है, ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए कैसे बनाया जाता है, प्लाज्मिड डीएनए वैसे 11th में आपने पढ़ा होगा कि जो बैक्टीरियल डीएनए होता है जो सर्कुलर डीएनए होता है दैट इज नोन एज द प्लाज्मिड डीएनए प्रोकैरियोटिक के अंदर, है ना, तो उसको हम लोग होस्ट डीएनए कहते हैं और फॉरेन डीएनए कहते हैं, और बैक्टीरिया को ही हम लोग ऐसे होस्ट लेते हैं उसके अंदर, और कैसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म करते हैं, और सबसे पहले तो डीएनए लेते हैं कैसे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन के थ्रू, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगेशन कैसे किया जाता है, तो वहाँ से हम लोग पूरा प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना। होप आपको जो बायोटेक की समझ है वो समझ आई आ गई होगी, तो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। थैंक यू।